आज मैं आपको बेसन वाले काबली चने का नमकीन बनाना बताती हूँ, कैसे बनाया जाता है। आपने नमकीन तो बहुत तरह के खाए होंगे, शायद आपने ये नमकीन नहीं खाया होगा और ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 250 ग्राम काबली चने लिए, जिसे मैंने ओवरनाइट पानी में भिगो दिया। भिगोने के बाद जब ये फूल गए तो मैंने इसका पानी निकाल दिया। देखिए ये फूल गए हैं। मैंने कुकर लिया है, अब मैं इस चनों को इसके अंदर डाल देती हूँ और इसके अंदर मैं एक ग्लास पानी डाल देती हूँ और कुकर को मैं बंद कर देती हूँ। इसको मैं एक बिसल आने तक बॉईल करूंगी। एक बिसल आ गई है, अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और हमें इन चनों को ज्यादा बॉईल नहीं करना। अब मैं इसका प्रेशर निकाल देती हूँ। मैंने इसका प्रेशर निकाल दिया जिससे कि चने ज्यादा बॉइल ना हो जाए। अब मैं इसको खोल लेती हूँ। देखिए अब ये चने बॉइल हो गए हैं। अब मैं इसको चने से छान करके इसका पानी निकाल दूंगी। मैंने ये कॉटन क्लॉथ लिया है, अब इसके ऊपर ये चने डाल देती हूँ जिससे कि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सूख जाएगा। इसे आधे घंटे के लिए मैं ऐसे छोड़ देती हूँ। आधा घंटा करीब हो गया है, इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सूख गया है। अब मैं इसको इकट्ठा कर लेती हूँ और एक बाउल में भर लेती हूँ। मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं 3 टेबलस्पून बेसन डाल देती हूँ। एक टेबलस्पून चावल का आटा, इसे क्रिस्पी बनाने के लिए। अब मैं इसमें मसाले मिक्स करूंगी। इसके लिए मैं एक चुटकी हींग डालूंगी, एक चम्मच अमचूर, इसकी जगह आप चाट मसाले का भी यूज कर सकते हैं, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच भुना वाला जीरा, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार। अब मैं इन सभी चीजों को मिक्स कर लेती हूँ। मैंने सभी चीजों को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी डालूंगी और इसको इसमें मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी और डाल देती हूँ। और इसको मिक्स कर देती हूँ। मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं चनों को इसके अंदर डाल देती हूँ। ये अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स करना है हमें। मैंने चनों को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देती हूँ जिससे कि मसाले अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाएंगे। 5 मिनट करीब हो गए हैं, इसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसकी डबल कोटिंग करूंगी, तो इसके लिए मैं बेसन और डाल देती हूँ इसके ऊपर और बेसन को इसमें मिक्स करूंगी जिससे कि इसमें डबल कोटिंग हो करके बेसन की अच्छी लेयर आएगी इसके ऊपर, चनों के ऊपर। और इसको मिक्स कर देती हूँ। इससे कि मसाला अच्छे से चिपक जाएगा चनों के ऊपर और चने भी एक एक करके खिल जाएंगे। देखिए आप इसमें चिपकेंगे नहीं। देखिए
कितने अच्छे से मसाला चनों के ऊपर लग गया है। ऑयल गरम हो गया है, हमें इसके लिए तेज गरम ऑयल चाहिए। अब मैं इन चनों को हाथ से इस तरीके से लेकर के इसके अंदर डाल देती हूँ। इसको इस तरीके से खोल करके डालें जैसे कि ये चने आपस में चिपके ना। अब मैंने गैस को मीडियम कर दिया है। अब मैं इन चनों को पलट देती हूँ और इसे मैं मीडियम गैस पे भुनूंगी जिससे कि ये क्रिस्पी बने। ये चने सिक गए हैं, इनको सिकने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इनको अंदर तक सेकना होता है क्रिस्पी होने के लिए। देखिए आवाज आ रही है। अब ये सिक गए हैं, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। इसको क्रिस्पी होने तक सेकना है। मैंने गैस को बीच बीच में स्लो मीडियम भी कर दिया था जिससे कि ये क्रिस्पी बने। अब मैं इसमें और डाल दूंगी। हमें इसी तरीके से डालना है एक एक करके जिससे कि ये आपस में चिपके ना। मैंने कढ़ाई में सभी को डाल दिया है। अब जैसे पहले सेके थे उसी तरीके से इनको भी सेक लूंगी। ये भी मुफले बुन गई है, मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। ये भी चने भुन गए हैं, मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। देखिए कितने अच्छे बेसन वाले चने बनके तैयार हुए हैं और ये नमकीन खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। देखिए कितने क्रिस्पी बने, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितने क्रिस्पी है। अब मैं आपको खाके भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी अच्छी आवाज आएगी। देखिए आवाज आ रही है ना। इन चनों को एक बार बनाएंगे तो आप बाजार के चनों को खाना भूल जाएंगे और ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। आप जरूर बनाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये चने आपको कैसे लगे। अगर आपको तीखे खाने हैं चने तो आप इसमें चाट मसाला, लाल मिर्च और मिला सकते हैं। आप इनको एयर टाइट डिब्बे में भर करके 1 से 2 महीने के लिए रख सकते हैं और जब भी खाने की इच्छा है आप इनको निकाल करके खा सकते हैं। अगर ये चने आपको पसंद आते हैं तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए नमस्कार।